स्वागत करता हूँ आपके सोवियत यूनियन में। काइंड ऑफ गुल्ली जैसा गेम है हमारा, जो हमारे इंडिया में होता है। तो भाई साहब, मैं अपनी बोट पे सवार हूँ। ये मेरा बोट है। अब ये पहिए हैं भाई। भाई साहब, ये मेरा रूम है। मतलब नहाते नहाते क्या व्यू दिखेगा यहाँ से। ये एक्चुअली हमें आज गाइड दिखाएगी। हाय, गुड मॉर्निंग गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से ही नए वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। फिलहाल इस वक्त मैं हूँ मॉस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। अभी जस्ट मैं अराइवल से यहाँ पर आया हूँ एंड अब मैं जा रहा हूँ सिटी की तरफ। लेकिन कुछ आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अभी भाई इंडिया से जब आओगे रशिया की तरफ तो अब काफ़ी ईजी हो रखा है, क्योंकि इंडियंस के लिए रशियन वीज़ा काफ़ी ईजी है। मेरे भाई ने अप्लाई किया था, मेरे अपने सगे भाई ने अप्लाई किया था, आज उसने वीज़ा अप्लाई किया, उसको वीज़ा कल मिल गया था रशिया का वीज़ा। एंड फ्लाइट्स भी नॉट सुपर एक्सपेंसिव राइट नाउ। आप इंडिया से आ सकते हो यहाँ पर बाया दुबई, और एरोफ्लाइट की डायरेक्ट फ्लाइट इंडिया भी चल रही है अभी। सो फॉर अराउंड लाइक 40,000 रुपये के आसपास में आप आ सकते हो यहाँ पर। तो 40,000 रुपये भाई ये नॉर्मल है, आना जाना, मैं जाने की बात कर रहा हूँ। अभी मैं जस्ट भाई मैं अराइवल पर आया हूँ, और ये देखो यहाँ पे सिम कार्ड वगैरह सब कुछ मिल रहा है। यहाँ पे भाई सिम कार्ड काफ़ी चीप है। अगर आप सिम कार्ड की बात करो तो 400 से 500 रुपये में आप अनलिमिटेड इंटरनेट ले सकते हो। मैं अगर आप प्रेफर करूँगा आप मेगाफोन लेना, अगर आप किसी ऑफबीट डेस्टिनेशन में ट्रैवल करने की सोच रहे हो। अगर आप मॉस्को में सोच रहे हो तो मॉस्को में ऑल ऑफ द सिम कार्ड इज़ लाइक कवरेज नॉर्मल है, ये सारे सिम कार्ड का कवरेज नॉर्मल है यहाँ पे मॉस्को के अंदर। भाई अब मैं बाहर जा रहा हूँ टैक्सी लेने के लिए। हालांकि यहाँ पे आप एरोक्सी भी यूज़ कर सकते हो, बट अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पे टूरिस्ट सेंटर है जहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि मॉस्को में आप क्या देख सकते हो क्या नहीं देख सकते हो, पूरा रूट मैप मिलेगा आपको, डिस्कवर मैप को। अब मॉस्को इनके जरिए देखें आप। तो भाई अब मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ से मैं टैक्सी ले रहा हूँ। यहाँ पे टैक्सी के लिए सबसे बेस्ट एप्लीकेशन है यांडेक्स गो। यांडेक्स गो पे क्लिक करते हैं एंड यहाँ पे B11 B13 पिलर, तो मैं B13 पिलर पे खड़ा हुआ हूँ, उस पर क्लिक करता हूँ। एंड वो जाना है मेरे अपने होटल रेडिसन ब्लू, ये वाला है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, टैक्सी या इकोनॉमी कंफर्ट वगैरह वगैरह अलग अलग है, आप खुद से भी ड्राइव कर सकते हो। मैं अल्टिमा लेता हूँ, और अल्टिमा का ये बिजनेस लेता हूँ, 2,236 रुपये का है, उस पर क्लिक करता हूँ। एंड टैक्सी आ रही है, थोड़ा यहाँ पे वेट करेंगे और टैक्सी अपने आप आ जाएगी यहाँ पर। अब तो भाई ये मेरी कार आ चुकी है, ये पीछे मेरी कार है अगर आप देख पा रहे होगे तो। यहाँ पे काफ़ी लोग हैं इसलिए भाई साहब को जगह नहीं मिली लगाने के लिए, बट ये मेरी कार है। क्या शानदार कार है भाई ये। तो भाई मेरी कार आ गई है, ये मेरे ड्राइवर से है स्पष्ट। चलो अब चलते हैं, काफ़ी शानदार सी कार है। स्पेसिफा तो भाई मैं निकल चुका हूँ मॉस्को सिटी के लिए अपनी कार में बैठ के। क्या शानदार मौसम है भाई, और मॉस्को बिल्कुल ब्यूटीफुल लगता है देखने में। रियली ब्यूटीफुल सिटी है मेरी, वन ऑफ माई फेवरेट सिटी है मॉस्को। तो आपको अगर कभी टाइम मिले तो आप ज़रूर कभी मॉस्को आना। अगर आपको दिखाया नज़ारा यहाँ से तो एकदम फॉरेस्ट के बीच जा रही, कितनी हरियाली है भाई मॉस्को में। ये वनुकोवा एयरपोर्ट, VKO, यहाँ पे 3 एयरपोर्ट है, VKO, DME एंड SDO, 3 एयरपोर्ट है। तो मैं VKO पे आया हूँ फिलहाल अभी, और मैं अब जा रहा हूँ अपने होटल रेडिसन ब्लू। तो भाई आज काफ़ी ट्रैफिक थी तो टाइम लग गया जाने में। एनीवे बड़े ज़ोर से प्यास लगी है, और इस कार में भाई पानी भी अवेलेबल है तो थोड़ा पानी पी लेता हूँ। ऑलमोस्ट मेरा होटल अब 4 मिनट का रास्ता है, या 3 मिनट का रास्ता बोल लो। हाँ, धूप भी अच्छी खासी निकली हुई है, टेम्परेचर जो अभी है यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस है। कुछ ऐसा बाहर का नज़ारा दिख रहा है भाई, आप देखोगे तो। ये मेरी कार है, काफ़ी कंफर्टेबल कार थी। अब चलता हूँ होटल, थोड़ी सी मैं रेस्ट कर लूँगा जस्ट क्योंकि अभी जस्ट आया हूँ, और उसके बाद आई थिंक आज तो नहीं फिर कल ही कहीं बाहर निकलेंगे। तो भाई मेरा होटल आ गया, थैंक यू। ये थे मेरी कार, ये है मेडिसन ब्लू। अब मैं चलता हूँ ताकि चेक इन करता हूँ, ये भाई साहब निकल जाएंगे। काफ़ी शानदार आज मौसम है सच कहूँ तो, प्यास भी बड़े ज़ोरों से लगी थी, पानी भी पी लिया। ये थी भाई मेरी कार। ट्रैफिक थोड़ी लंबी, थोड़ा टाइम लग गया आने में। मैं अराउंड 2 बजे एयरपोर्ट से था, 2:30 बजे के आसपास, तो थोड़ा टाइम लग गया आने में, चेक इन करा रहा हूँ। रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको जो मिलेगा वो आप कृपया रखना,
और वो क्योंकि इम्पॉर्टेंट होता है जब आप कहीं भी होटल वगैरह जाते हो, तो यहाँ पे मैं आ गया हूँ, आई थिंक सब कुछ नॉर्मल रहेगा। और यहाँ पे इंग्लिश ही बोल रहे हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। तो भाई मैं अपने रूम जा रहा हूँ अब, ये मैं अपना कार्ड ले चुका हूँ। विच फ्लोर इज़ माई रूम? आई डोंट नो अबाउट इट टू, लेट मी चेक। आई थिंक इट इज़ हियर 24 या तो 24वें फ्लोर पे है, एलिवेटेड है। तो भाई मैं अपने होटल रूम पे आ गया हूँ, ये देखो क्या मस्त व्यू है भाई, काफी पैनोरमिक व्यू दिख रहा है यहाँ से। ये देखो ये पूरा मॉस्को का व्यू है, और ये मेरे लिए कुछ फ्रूट्स वगैरह है यहाँ पे खाने के लिए। डियर कुमार, वी आर डिलाइटेड टू वेलकम यू इन आवर होटल। भाई साहब यहाँ पे ना लास्ट नाम से आपको पुकारते हैं जनरली, तो मेरा नाम शुभम कुमार है, तो लोग कुमार 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 बोलते हैं, बट कोई नहीं। और आपको दिखा दो थोड़ा ये होटल चलते चलते, टेम्परेचर परफेक्ट है अभी होटल का। और ये मेरा बाथरूम है भाई, मतलब नहाते नहाते क्या व्यू दिखेगा यहाँ से। अगर बात करें इस व्यू की, क्या शानदार व्यू दिख रहा है यहाँ से, मॉस्को का पैनोरमिक व्यू। ये टीवी टावर है एंड उस तरफ के स्काई स्क्रैपर्स है, एंड एक नॉर्मल शावर भी है यहाँ पे, टॉयलेट्स। गुड मॉर्निंग गाइस, तो आज वापस से एक नया दिन है। कल मैं, आपने देखा, मैं होटल में जाके सो गया और थोड़ा काम कर रहा था, वीडियोस वगैरह एडिट कर रहा था। आज मैं आ गया हूँ भाई गोर्की पार्क। भाई ये 1928 से बना था, मतलब सबसे बड़ा पार्क है अभी मॉस्को में और रशिया में भी आई गेस, क्योंकि भाई ये जो पार्क है यहाँ पे कहते हैं कि अराउंड 50 से 1 लाख रशियंस यहाँ पे रोज़ यहाँ पे हैंग आउट करते हैं। काफ़ी हैपनिंग सी प्लेस है ये, तो बस मैं आ गया था। और मेरे ये पीछे है गराज म्यूज़ियम, बट आज वेदर भी काफ़ी शानदार है, 24 डिग्री सेल्सियस अभी हो रहा है और आप देख सकते हो मुझे हाफ टी शर्ट में, काफ़ी शानदार वेदर है। तो भाई मॉस्को अब आओ तो एक समर में आप जरूर आना, क्योंकि समर और विंटर की बात अलग अलग होती है, लेकिन अगर आप समर में आओगे तो आप मोर कंफर्टेबल फील कर पाओगे, आप मोर वॉक कर पाओगे, क्योंकि विंटर के हम लोग आदि नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे तापमान ज़्यादा कम हो जाता है। तो आप मॉस्को या रशिया आओ तो मोस्ट प्रोबेबली आप प्रेफर करना समर में आओ, लेकिन विंटर की भी अलग बात है। भाई ये है गराज म्यूजियम, जिस तरह से नाम सजेस्ट कर रहा है, ये स्टार्ट जब हुआ था गराज से स्टार्ट हुआ था, सिंपल गराज से। आज ये मास्टरपीस है आर्ट के मामले में। तो भाई मैं अंदर तो नहीं जा रहा हूँ, लेकिन जब कभी आप आओगे यहाँ पे तो एक बार ये गराज म्यूजियम आके चेकआउट जरूर करना। तो भाई यहाँ पर एक गराज स्क्रीन हुआ करता था, फिलहाल अभी फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, कल एक फेस्टिवल है तो इस वाले पार्ट को भी बंद कर रखा है लोगों ने। यहाँ पे स्क्रीन हुआ करता था और स्क्रीन पे आप कुछ फिल्में वगैरह देख सकते थे, अभी हालांकि बंद पड़ा हुआ है। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट लोकेशन पे। भाई मेरे पीछे ये मेगा स्विंग, यहाँ पे सारे बच्चे वगैरह के झूला झूलते हैं, अगर आपको झूला झूलना है तो यहाँ पे के झूला झूल सकते हो। काफ़ी शानदार लोकेशन है, बच्चे हैं मोस्टली, बट कुछ कुछ यंग लोग भी आके झूला झूल रहे हैं यहाँ पे। ये देखो काफ़ी हैपनिंग सा माहौल लग रहा है मेरे को यहाँ पे। तो ये जो पार्क है भाई, पार्क का ही पार्ट है, बहुत बड़ा पार्क है ये। तो यहाँ पे करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अराउंड 1 लाख मॉस्को के लोग रशियंस यहाँ पे आके रोज लाइक एंजॉय करते हैं। तो मतलब बहुत बड़ा पार्क होगा तो ही 1 लाख लोग आते हैं। मॉस्को की जनसंख्या जो है अभी 12 मिलियन के आसपास है। भाई यहाँ पे बच्चों को फिसलने के लिए काफ़ी जगह बनाई गई है, रस्सी पर लगाए गए हैं। भाई फिसल जो फिसल हो गया नहीं भाई, बच्चे सारे बच्चे हैं, मैं एक छोटा सिर्फ बूढ़ा बन जाऊँगा यहाँ पे। ये देखो भाई यहाँ पर घंटी बजती है, वो तो भाई बच्चा डर गया इसके, अगर आप चलोगे मस्ता करें बहन। भाई कुछ कुछ बच्चे को यहाँ पे इतनी गर्मी लगती है कि वो यहाँ पे नहा रहे हैं। परफेक्ट तापमान है 24 डिग्री सेल्सियस, तो हमारे विंटर में होता है, बट यहाँ पे इनके लिए समर है। और यहाँ पे रशिया वगैरह लगी हुई है, बच्चे अलग अलग बच्चे खेल रहे हैं। यार हमारे इंडिया में इतना खास नहीं है ना, मतलब बच्चे के लिए इतनी स्पेस,
कोई ऐसी पार्क, बहुत बड़ा पार्क जहाँ पे आप हैंग आउट कर सके रोज आके बच्चों के साथ। ये देखो रस्सियाँ वगैरह बच्ची चल रही है, मेरे से नहीं हो पाएगा। ये बच्ची देखो कर पा रही है, ये ऊपर चढ़ने के लिए है रस्सी के द्वारा। ये बच्ची का देखो एथलीट बनेगी ये बच्ची बड़ी हो के। और भाई मेरे पीछे कुछ लोग नहा रहे हैं, एक्चुअली बच्चे ही नहा रहे हैं, लोग तो नहीं, मतलब कोई एडल्ट नहीं नहा रहा, सिर्फ बच्चे ही नहा रहे हैं अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए। ये देखो यहाँ से पानी लेके पानी फेंकना का वाला काम चल रहा है यहाँ पे। बच्चियाँ यहाँ पे कुछ बच्चे वगैरह नहा रहे हैं, और इस तरफ चलोगे तो इस तरफ भी कुछ बच्चे एकदम नहा रहे हैं। अच्छा ये देखो ये मस्त सिस्टम है, दबाने पे पानी निकल रहा है, हैंडपम्प बन गया ये। तो भाई मैं यहाँ पर आ गया था तो कुछ लोग बोट चला रहे थे, सोचा कि क्यों नहीं मैं भी ट्राई करता हूँ। ये ऐसा है, अब समझ नहीं आ रहा कि हालांकि साइकिल की तरह है लेकिन हैंडल कहाँ है समझ नहीं आ रहा, थोड़ा बहुत ठक्कर नहीं मार दूँ। और ये लाइफ जैकेट वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती और पानी भी काफ़ी ठंड होगा, अगर मैं डूबा तो मैं नीचे की जगह ऊपर चला जाऊँगा, मैं समझ रहे हो ना। ये पूरा एरिया है जहाँ पर आप स्विमिंग नहीं ये बोट राइड कर सकते हो। तो भाई साहब मैं अपनी बोट पर सवार हूँ, ये मेरा बोट है, अब ये पहिए हैं भाई, ऐसे चलने पर पहिए घूमेंगे। काफी सिंपल है भाई, लेफ्ट राइट के लिए ये मेरा जो हैंडल है वो काम कर रहा है, ये अगर नीचे आप हैंडल देख पा रहे हो गए तो, और बस पहिए को घुमाना है, जितने तेज पहिए घुमाओगे उतने तेज भागेगा ये। इस तरह घुमा रहा हूँ मैं, काफ़ी एडवेंचरस ही था भाई, अरे एडवेंचरस क्या, नॉर्मल सा था सच कहूँ तो, लेकिन दो लोग रहते तो ज़्यादा बेटर रहता क्योंकि दोनों मिलके पहिए घुमाते। भाई किधर तू जा रहा है, गिरियो मत। और उन्होंने कहा है कि आधे घंटे का समय मिला है मुझे, और जो लाइफ वेस्ट है जो लाइफ जैकेट है उसको खोलना नहीं है, मतलब लाइफ जैकेट इज़ इम्पॉर्टेंट। पानी मेरे साथ ठंडी ही होगी बट काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा है, यहाँ से बोट चलाते चलाते देख रहा हूँ मैं सारे एरियाज़ को। थोड़ा मैं इस तरफ चलता हूँ लेके घुमाता हूँ पूरे बोट में, यहाँ पे आज थोड़ा एक्सरसाइज भी हो रहा है, चलाते तो ज़्यादा घूम गया भाई तो यहाँ पे कुछ बत्तख भी हैं, अगर आप बत्तख को देख पाई होगी, हालांकि टूरिस्ट वहाँ पे बत्तख के फ़ोटो ले रहे हैं, उन्होंने उनको हाइड कर रखा है। अगर आप देखोगे यहाँ पे दो बत्तख दिख रहे हैं, तीन बत्तख दिख रहे हैं यहाँ पे भाई, काइंड ऑफ ये बीच बना दिया है उन लोगों ने। अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठ के चिल कर रहे हैं, लाइक नीचे हम यहाँ पे बैठने की जगह है यहाँ पे, और कुछ कुछ यहाँ बत्तख है, बच्चियाँ खेलने आती हैं बत्तख के साथ। तो काफ़ी हैपनिंग सा माहौल लगा मुझे ये, बस मैं चला रहा हूँ इस जो छोटे से पॉन्ड बोल लो आप, पॉन्ड के चक्कर लगा रहा हूँ पूरी तरह से। मेरे सामने भी फैसिलिटी है, काफ़ी इजी चलाओ आप, स्लोली चल रहा है ये, आपको उतना डिफिकल्ट भी चलाना, जोड़ भी नहीं लगाना पड़ता है, ऐसा कि नहीं आपको जोड़ लगाना पड़े काफ़ी। तो भाई मैं अभी जो गेम खेल रहा हूँ वो है पेतांग, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग गेम है, आपको सबसे दिखाता हूँ। ये तीन मेरा है, ये तीन भाई साहब का, ये भाई साहब प्लाज, ये इंस्ट्रक्टर है, और इस रेस्टोरेंट में बस कुछ खाना पीना खा रहा था, और ये एक्चुअली पेतांग का फील्ड है। तो एक्चुअली क्या होता है कि ये तीन गेंद है, एक छोटा सा गेंद होता है ये पीला वाला दिख रहा होगा, ऐसे फेंकना होता है, उसके नज़दीक जो जाएगा वो होता है, काइंड ऑफ गुल्ली जैसा गेम है हमारा जो हमारे इंडिया में होता है। चलो गेम खेलते हैं, इट्स योर टर्न, यू कैन प्ले। आर यू रेडी? या आई एम रेडी, ओके लेट्स गो। देखो भाई साहब ने ये फेंका, आप इसको नज़दीक फेंकेंगे वो थोड़ा, अरे भाई ये एकदम काफ़ी मस्त खेलते हैं ये। अब मैं देखता हूँ कहाँ तक आ पाता है, मुझे उस पीले गेंद के पास जाना है, ये बच्ची आ रही है, बच्ची को जाने दो पहले। अब ऐसे फेंकना, ऐसा फेंकना बेटर होता है। मेरा गेम बहुत नज़दीक रहा, मुझे वापस ही फेंकना पड़ेगा क्योंकि मैं उनके पास नहीं पहुँच पाया, मुझे उनके पास पहुँचना है, ठीक है। हाँ ऑलमोस्ट, वन मोर भाई मैं हारा जा रहा हूँ लगता है। ओह गुड, वेरी गुड। या देखो भाई मैंने एकदम येलो के पास पहुँचा दिया, अब इनकी बारी है, उनको मेरे सर्किल से निकालना पड़ेगा, देखते हैं क्या कर पाते हैं ये भाई साहब, ट्राई करते हैं। ये नहीं हो पाया, एक और है, चलो ये भी नहीं हो पाया, तो यहाँ पे मैं विन हो गया क्योंकि अब इनका सर्कल बनेगा ऐसे करके। तो
I get 1 point, right? Yeah, you won. I won. I get 1 point. यहाँ पे गेम का वो भी है, इनका 2 point ऑलरेडी हो चुका है, मेरा 1 point हो चुका है. Ah, you lose, you get 0 point. Yeah, you're 0. You won, I'm 0. So you need to win all the time. Yeah. To win 30 points. Okay. तो भाई आपको लगातार जीतना पड़ेगा, तभी 13 point होगा. Until 13. ये भाई यहाँ पे वो भी नंबर ही बना हुआ है, तो काफी इंटरेस्टिंग गेम है भाई ये. चलो खेलते हैं और देखता हूँ कौन जीतता है. तो भाई इसको वापस से खेलना पड़ेगा पीले वाले गेम को. और तो भाई ये एक्चुअली इसको थोड़ा दूर पहुँचाना पड़ता है. अगर नहीं पहुँचा पाया तो वो भाई साहब उठाएंगे जो मेरे कंपटीटर हैं, और उसको कहीं पर रख सकते हैं, उनकी मर्जी है, उनको वहाँ पर रखा. क्योंकि लास्ट गेम मैंने जीता था, तो मैं प्ले करूँगा वापस से. अब तो देखो प्ले करता हूँ मैं, उसके नज़दीक जाना है भाई मुझे. ओके, थोड़ा दूर चला गया भाई मैं. अब इनकी गलत बात आ रही है. ओके, यू कंटिन्यू. अब मुझे पास 2 गेंद और बचे हैं, उनके आइदर मेरे नज़दीक जाना पड़ेगा या उनके गेंद को वहाँ से दूर फेंकना पड़ेगा. देखता हूँ मैं क्या कर पाता हूँ. आई एम फॉर योर फॉर. आई डोंट नो. देखना पड़ेगा. अब ये कंटिन्यू क्योंकि मेरी गेंद नज़दीक आ गई ना, अब ये कंटिन्यू करेंगे. बड़ा एक टफ कंपटीशन था ये. बस गेम है भाई, मज़ा आ रहा है खेलने में. I'm close. ये भाई सब क्लोज हो रखे हैं. अब मुझे इसके क्लोज आना है, तो फिर उसके गेंद को बाहर फेंकना है. Oh, very good. भाई मैं इनके क्लोज आ रखा हूँ. ये देख लो, ये मेरा वाला है, ये उस भाई साहब का है. अब वापस से खेलेंगे वो, देखता हूँ कैसा रहता है. क्या इस पिक्चर में मोर क्लोज टू मी. यू कंटिन्यू. यू हैव वन. I don't have one. Okay. Yeah, I closed all three. Yes. Okay. So and so I see. Win by 1 point. Yes, 1 point. Because my this one. Yeah. And this one, Virgil's. You see. One. Okay. 2-0. 2-0. Okay. Chalo. Thank you. तो भाई यहाँ पे काफी लोग नई नई टाइप की गेम खेल रहे हैं. ये दोनों भाई साहब भी खेल रहे हैं. सोचा कि अब चलो हो गया काफी गेम, बट खेलने में काफी मजा आया है. गेम इंटरेस्टिंग था, थोड़ा गुल्ली जैसा था. और यहाँ पे सामने बैठ के यहाँ पे मैं हाय ये एक्चुअली हमें आज गाइड दिखाएगी. हाय, नाइस टू मीट यू. चलो ये हमें एक्चुअली काउचसर्फिंग होस्ट है मेरी, एक होस्ट नहीं मतलब यहीं पे मुझे मिली थी. तो फिर सोचा कि आपको ये दिखाऊंगी पूरा मैं, तो मैंने कहा चलो ये आपको पूरा मॉस्को दिखाएगी. सो यू आर लोकल ऑफ मॉस्को, राइट? ओके. So you're gonna Moscow, you're gonna see Moscow today. हम लोग जाएंगे अभी. ये कुछ ऐसा एरिया है भाई यहाँ पर, देखे तो ये वाला रेस्टोरेंट था जहाँ पे हम लोग खाना पीना खा रहे थे. वो भाई साहब पायलट थे, उसको बाय करके जाता हूँ मैं. बाय, आई एम गोइंग नाउ. नाइस टू मीट यू. रियली थैंक यू वेरी मच फॉर द सेइंग दिस गेम. आई विल सी यू. ओके, यस, सी यू. थैंक यू वेरी मच अगेन. थैंक यू. प्लस सोए. पक्का. ये भाई साहब एक्चुअली पायलट थे, बट यहाँ पे भी काम कर रहे क्योंकि अजूर एयर में काम करते थे, और भी अजूर एयर काम नहीं कर रही है, तो उन्होंने ये बताया मेरे हिसाब से. चलो चलते हैं. तो भाई मैं कसीनिया के साथ हूँ, और यहाँ पर ये गोर्की पार्क का एंट्रेंस है. ये ऐसा कुछ दिखता है भाई अगर देखें तो. ये मुझे कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बता रही थी इस पार्क के बारे में. उन्होंने कहा था एक बार यहाँ पर लेलिन भाई साहब आए थे, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई. एक ही बार यहाँ पर लेलिन भाई साहब आए हैं, तो मतलब 1928 में ये पार्क बना था. 28 या 18 में कंफ्यूज हो रहा हूँ. आप देख लेना, मैं यहाँ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में कि कब इस पार्क के बारे में. ये है कि इसका एंट्रेंस, बट आज फेस्टिवल है तो इसलिए आज आपको कुछ देखने को मिलेगा नहीं. यहाँ टिकट वगैरह मिल रहा है, तो कहते हैं वीके फेस्टिवल. वीके यहाँ की एक लोकल कंपनी है. तो और ये पूरा एरिया है यहाँ पे. अब चलो हम चलते हैं नीचे. वेयर आर यू गोइंग राइट नाउ? वी आर गोइंग टू द म्यूजियम पार्क. म्यूजियम पार्क. इट्स वन पार्ट ऑफ द गोर्की पार्क आल्सो. So I told you that it's like a fourth part. Fourth part. We should cross the road. Like this. Okay. And
we'll go to the place with many painters and pictures, something like that, for example. Ah, and like this. यहाँ पे देखो भाई ये सारे कितने फोटो फोटो बना रखे हैं. उसी तरह हम लोग कुछ देखने के लिए जाएंगे किसी नहीं के साथ. चलो या लाइक दिस या ये देखते हुए चलो चलते हैं अलग वाले पार्ट में. अब तो भाई किसनिया बता रही थी कि ये जो पूरा आप देख रहे हो यहाँ पे ये वर्ल्ड वॉर टू के टाइम जो डिस्ट्रक्शंस हुए थे उस डिस्ट्रक्शंस में आपको टूटी फूटी मूर्तियाँ देखने को मिल जाएगी. ये देख सकते हो आप कंस्ट्रक्शन वापस से किया गया रिकंस्ट्रक्ट वगैरह. ये पूरा पूरा रिकंस्ट्रक्ट किया गया वापस से और इसको काइंड ऑफ ओपन एयर म्यूजियम बना दिया गया है ताकि आप आके देखें और कोई टिकट नहीं लगता सारी मूर्तियों को. चलो अच्छा है ये मूर्तियाँ अब आप देख पा रहे होगे तो काफ़ी टूट फूट भी गई है बट ठीक है पूरी मूर्तियाँ. और क्या क्या इनका नाम भाई साहब लाइमस्टोन से बना हुआ है. भाई स्वागत करता हूँ आपके सोवियत यूनियन में. ये भाई साहब हैं स्टालिन आपको पता ही होगा और ये लेनिन भाई साहब और ये पूरा सोवियत यूनियन का साइन दे रखा है अगर आप देख पा रहे होगे तो. ये CCCP पीलोत मीरा ये पूरा लिख रखा है. क्या बड़ा एकदम पूरा एकदम सोवियत स्क्वायर है. इधर भी अलग अलग सोवियत लीडर्स हैं और आई थिंक इस ऑल्सो लेनिन राइट. Yes, also Lenin. It's more than 1,000 sculptures here. 1,000 sculptures of Soviet Union leaders? Not only Soviet Union leaders, but also everyone in the park. Yeah. Okay. 1,000 से ज़्यादा मूर्तियाँ हैं यहाँ पर सोवियत यूनियन के टाइम की. वाओ. ये लेनिन भाई साहब आप देख रहे हो यहाँ पे आप. तो भाई मेरे सामने जो आप देख रहे हो पीछे ये है पीटर द ग्रेट. ऑफकोर्स आपके बारे में के बारे में पता ही होगा क्या बट शानदार ब्यूटीफुल है. और ये देखो काफ़ी खर्चा करके इस वाले पार्ट को बनाया गया था. और ये पूरा व्यू दिख रहा है यहाँ से. ये है मॉस्को रिवर. यहाँ पे क्रूज़ वगैरह चलती है उस तरह के क्रूज़ वगैरह आप ले सकते हो चाहो तो. बट और वो एक ब्रिज है वो भी ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है मॉस्को की हिस्ट्री के हिसाब से. और ये वाला पूरा पार्ट काफ़ी लोग यहाँ पर घूम रहे हैं. हम लोग अभी चल रहे हैं इस तरफ वापस. भाई इसको कहते हैं आइलैंड. थोड़ा यहाँ बैठो तो थोड़ा केयरफुल रहना कि गिरे तो बचने के चांसेस कम है. ये पूरा जो एरिया से कहते हैं आइलैंड. हालांकि मैंने गूगल पे देखा था उसको मॉस्को आइलैंड भी कहते हैं. और यहीं पे पूरी पार्टीज़ वगैरह भी होती है. और ये चैनल जो बनाया गया था क्योंकि यहाँ पे कभी फ्लड आती थी तो बीचों बीच जो मॉस्को जो रिवर है उसके बीचों बीच एक काइंड ऑफ आइलैंड ज़बरदस्ती का आइलैंड बनाया गया. जिस तरह दुबई वगैरह में कुछ कुछ बनाया जाता है यहाँ पे पहले ही बन चुका है. दुबई में तभी बना यहाँ पे तो पहले ही बन चुका है. तो बीच में ये रिवर के बीच में उन्होंने कुछ आइलैंड बनाया और ये एक लाइक मैन मेड आइलैंड है. आर्टिफिशियल नहीं है मतलब आर्टिफिशियल है नेचुरल नहीं है. तो उन्होंने मैन मेड आइलैंड बनाया है इसे और अभी फ्लड को काफ़ी कंट्रोल करता है ये आइलैंड. मैं अभी आ गया हूँ इस पुल पे. ये पुल काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये ब्रिज काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ. यहाँ से आपको दिख रहा है रेड स्क्वायर. ऑफकोर्स ये आपको रेड स्क्वायर क्रेमलिन दिख रहा होगा यहाँ से. अब इस तरफ ये एक चर्च है आप सबको देख पा रहे हो. हालांकि खुद के काफ़ी अपोजिट है तो आपको सही से चर्च दिख नहीं रहा होगा. इस चर्च के पहले यहाँ पे एक स्विमिंग पूल हुआ करता था. स्विमिंग पूल के बाद उन्होंने उसको चर्च बना दिया गया है. अब ये चर्च है. पहले यहाँ पे स्विमिंग पूल था सोवियत यूनियन ने बनाया था लेकिन हालांकि उसको अब चर्च बना दिया गया है. फिर भी काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है. अब चलो यहाँ तो चलते हैं. इन्होंने काफ़ी इन्फॉर्मेशन दी. मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मतलब ये वीडियो 4 घंटे का बन जाएगा क्योंकि तो इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने के लिए है. मैं लिंक दे दूंगा आप वहाँ से पढ़ लेना अगर आपको इस एरिया के बारे में और जानना है तो. बस ऐसा दिखता है भाई ये व्यू. आपको मैं वापस भी दिखाता हूँ. अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे एक काइंड ऑफ बाड़ है वहाँ पे जाके बैठता हूँ. ये है स्टील का बाड़. इसी के अंदर भी चल रहा हूँ. यहीं यहाँ कुछ ऐसा बाहर से ऐसा दिखता है ये वाला जाके नीचे जाके बैठता हूँ वहाँ पर. तो भाई मैं आ गया हूँ स्टेल का बर्ड. ये कुछ ऐसा दिखता है अगर आप देखोगे तो.
यहाँ से लोग कुछ पिंग पोंग खेल रहे हैं। मैं चलो चलता हूँ उसके अंदर, देखता हूँ क्या अंदर अवेलेबल है, कुछ खाने पीने को क्या मिलता है यहाँ पे। ये पूरा ऐसा एरिया दिख रहा है, जैसे चलना है ऊपर। ठीक ठाक सा है, काफ़ी सजेस्ट किया और काफ़ी फेमस है और मॉस्को आइलैंड में पड़ता है। जो वो ब्रिज देखा था आपने, इसको कहते हैं लाइक हेवन टू हेल, मतलब ये जो पूरा जो एरिया है यहाँ पे आपको काफ़ी स्ट्रिप क्लब तो फिर बार्स मिल जाएंगे और उस तरफ चर्च है। तो वो जो ब्रिज है वो दोनों को कनेक्ट करता है, चर्च और इस मॉस्को आइलैंड को। ये है भाई, यहाँ पे मुझे आना था भाई, यहाँ पे रिजर्वेशन चाहिए अगर आपको यहाँ बैठना है तो। उन्होंने रिजर्वेशन ऑलरेडी करा रखा था, हम चल रहे हैं बैठने के लिए। अब देखते हैं कहाँ पे मिलते हैं, आई होप नदी किनारे सीट मिले। काफ़ी लोग आ रखे हैं भाई, भड़ा पड़ा है ये पूरा रेस्टोरेंट। अब मुझे देख के ब्लॉगिंग करनी पड़ेगी वरना मैं गिरूंगा कहीं पर। तो भाई ये चाय है, इसको कहते हैं इवान चाय, ये मैं चाय पी रहा हूँ। ये दिस इज रशियन चाय, हर्ब चाय, ये मतलब इंडिया की तरह ही डिफरेंट है, आयरन टी की तरह है। चलो इसको ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है ये वाला चाय। तो भाई इसके अंदर धनिया पत्ता है एंड खीरा है और मूली है, बस यही तीनें हैं और साथ में साथ मछलियां भी है इसके अंदर। बट ये जो खा रही है इसके अंदर रैबिट, या भाई यहाँ पे लोग रैबिट भी खाते हैं यार, देखो रैबिट है इसके अंदर, ये वाइट मशरूम्स रैबिट वगैरह, मतलब भाई रैबिट भी खाते हैं, मतलब खरगोश भी खाते हैं यहाँ पे लोग। चलो जो खाना है खा लो भाई। तो भाई ये है डेजर्ट, ये इनका, ये सॉरी ये मेरा, ये इनका है, ऐसा कुछ दिखता है भाई। और आपको मैं जूम करके दिखाता हूँ, देख सकते हो उसके अंदर क्या क्या पार्टिकल्स भी हैं।